नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। संसद में इन दिनों खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी सांसदों के निष्कासन के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता लामबंद हो गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और इस बीच विपक्षी सांसदों को समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी सांसदों को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव की मांग करनी चाहिए। इस दौरान शिवपाल बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। देश से भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हटाने का काम करें। सर लोकसभा सचिवालय में निलंबित सांसदों को संसद सदस्य लॉबी से दीर्घायु से प्रवेश से रोक दिया है, क्या क्या कहेंगे? सीधा देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करने के लिए, सुझाव देने के लिए होता है ना। अब ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से और देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, दोनों को अपना अपना अधिकार भी होता है, अपनी बात करने का, आलोचना करने का, सुझाव देने का, अपनी बात पूरा रखने का, जनता की बात को रखने का। फरुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में आग लगने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से निर्वाचन कार्यालय में आग नहीं लगी थी, क्योंकि जिस ईवीएम वीवीपैट के गोदाम में आग लगी थी वहां बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है। खबर है कि निर्वाचन गोदाम में संदिग्ध सामान मिला है, नारियल जूट से आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि नारियल जूट को डीजल में भिगोकर आग लगाई गई है। डीएम के आदेश पर मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि निर्वाचन कार्यालय के गोदाम के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा भी कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छात्रा कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी, जिसके बाद अब छात्रा की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो छठी कक्षा की छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि वार्डन की लापरवाही की वजह से छात्रा की मौत हुई है। मामला राजेपुर थाना इलाके के स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक छात्रा को कई दिनों से बुखार आ रहा था और वो लगातार परिजनों को बुलाने की मांग भी कर रही थी, लेकिन वार्डन और शिक्षकों ने छात्रा की फरियाद नहीं सुनी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे छात्रा के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छात्रा कई दिनों से ये गुहार लगा रही थी कि उसके परिजनों को बुलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिजनों को नहीं बुलाया गया। शिक्षकों की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वार्डन की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, परिजन हंगामा भी कर रहे हैं, इंसाफ की लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या छात्रा को सचमुच में परिजनों से मिलने नहीं दिया गया था? अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चार पांच दिन से बुखार आया और कल इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने मैम से कहा मैम फोन लगा दो, और इन्हें खाना भी नहीं खाया, और मैंने कल लगाएंगे, लगाया ही नहीं, आज लगाया। पलटी भी करी वो, हमने सारे साफ की, चार पांच बेच ही थी हमने धोली। अच्छा, मतलब इनके मातारी को फोन नहीं किया टीचर ने? नहीं किया। तो आज इलाज के लिए कहाँ ले जा रहे थे बिटिया? कहीं नहीं। तो खत्म कहाँ हुई जी? यही खत्म। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल पाया है उन्हें लाभ पहुंचाने का संकल्प लेकर बीजेपी चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं गांव को मजबूती, गरीबों को ताकत, युवाओं को आवाज और किसानों को आगे बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का मौका देती हैं। स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत की स्कीम बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 9 महीने के अंदर ये स्कीम बनी है। मैं आपको बता दूं
ये 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत की 40% की आबादी। और कौन है ये लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, बाल काटने वाला, जूतों की मरम्मत करने वाला, ऐसे गरीब, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, जो ऐसे प्रोफेशन में है, ऐसे 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से इलाज के लिए दिया। यह आज बदलता भारत है। कन्नौज की कांसीराम कॉलोनी में रात के वक्त अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल कॉलोनी के 1500 आवासों के बिजली गुल हो गई है। आपको बता दें कि लाखों रुपए के बकाया बिल जमा न करने पर बिजली विभाग ने बिजली काट दी है, जिससे हजारों की आबादी परेशान हो गई है। बिजली विभाग की कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना यही है ऊपर मोदी भाई से और योगी से भी कि भाई हम लोगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, गरीब लोग हैं, हम लोगों की देख रेख की जाए और नए मीटर हटा के नए लगाए जाएं और पुराने ये हटा लिए जाएं और जितना मिनिमम महीना में आएगा हम सब भाई बहन देंगे। तो पुराने मीटर से क्या दिक्कत है? पुराने मीटर से आज से 5-5 लाख हो गया है। जब वो हम लोगों का बिल देखने आते हैं हम बराबर उनसे यही पूछते हैं कि भैया कितना हुआ, वो कहते हैं अम्मा 4 लाख हुआ, किसी कहते 5 लाख हुआ। अब लिया जाएगा इलेक्शन के बाद तो हम लोग कहाँ से देंगे, डकैती डालेंगे कि चोरी करेंगे। हम लोग गए 50 साल उठते हैं बिजली ऑफिस में, कल से लाइट काट दी की बच्चे हैं मान लो कि छोटे छोटे दिक्कत होती है। ठीक है अमन गए, वो लोग कहने लगे कि जो है 5000 रुपए जमा होंगे। अब गरीब इंसान के पास इतना नहीं है, वो कहाँ से जमा करेगा? कहाँ गए थे आप लोग? बिजली ऑफिस यहीं। तो लाइट क्यों काट दी आप लोगों की? उन लोगों ने कोई बात बताई ना कुछ ही, अपने आप काट दी उन लोगों ने लाइट। पूरी कॉलोनी की लाइट कर दी है जी। कौन सी कॉलोनी है? ये है चिड़ियागंज। बागपत में पोस्को कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। नाबालिग को 8 साल बाद इंसाफ मिला है। आपको बता दें कि करीब 8 साल पहले नाबालिग के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी नूर हसन को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरे आरोपी को 5 साल के कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मामले में 9 गवाह पेश किए गए थे। आज एडीजे स्पेशल संजीव कुमार जी के द्वारा सरकार बनाम नूर हसन की पत्रावली, उसमें आज नूर हसन को धारा 4 पोक्सो में 10 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, 363 में 4 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माना और 366 में 5 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माना। सह अभियुक्त मोमिन को 363 में 4 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माना और 366 में 5 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना किया है। एक अन्य मुकदमा है सरकार बनाम गुड्डू का, उसमें अभियुक्त गुड्डू को 9M/10 और 354 में आज दोषी किया है, उसमें निर्णय के लिए कल की। बागपत के चर्चित शौर्य हत्याकांड में भी कोर्ट का फैसला आ गया है। दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मामला खेगड़ा कोतवाली के फगरपुर गांव का है, जहां पिछले साल 15 दिसंबर को 4th क्लास में पढ़ने वाले शौर्य की फिरौती को लेकर उसके चाचा और भाई ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने 5 दिनों में हत्या का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में विनीत उर्फ डेनी और धीरज उर्फ डिग्गी को दोषी पाया गया था, जिन्हें सजा सुना दी गई है। एक आरोपी नाबालिग है, जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। आज जो फैसला आया है, इसमें जो शौर्य था उसका एक अपहरण हो गया था 15/12/2022 में, तो तब तक ये पता नहीं था किस द्वारा कर लिया गया था। अज्ञात में रिपोर्ट दिखाई गई थी, रिपोर्ट दिखाने के पश्चात में जो है 20 तारीख में इसकी बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। उसके बाद में मुलजिमों को पकड़ लिया गया, पर बॉडी बरामद होने से पहले ही, तो इनके दो ये जो थे विनीत और ये नीरज दैनी और तीसरा अक्षित था, इनके द्वारा ये बताया गया कि हमने जो है उसके उसकी हत्या करके जो है और उसकी डेड बॉडी जो है जंगल में भोपाल सिंह के खेत के अंदर दबा रखी है। तो पुलिस ने उनके पॉइंटिंग आउट पर उसकी डेड बॉडी बरामद कर ली है। इसके लिए जो है इस केस के अंदर, इस केस की ट्रायल हुई तो 9 गवाह इसमें दिए गए कुल मिला के।
और नौ गवाह के उसके बाद में सबूत के बाद में अभियुक्त द्वारा पुलिस ने जो है अपना जो है बचाव में कुछ साक्ष्य नहीं दिया गया। कोर्ट के फैसले में हम संतुष्ट हैं। आगे क्या चाहते हो? जब हम कोशिश करेंगे। क्या चाहते हो अब सर? फांसी चाहते हैं। बागपत में मासिक किसान बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि विकास भवन में किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान नाराज हो गए। किसानों का आरोप है कि अधिकारी किसानों की अनदेखी करते हैं और किसानों से अवैध वसूली भी की जाती है। आज के किसान दिवस में किसान आए थे, कुछ ज्ञापन लेकर आए थे, उनके काम के लिए उनको बहुत वो करा गया, उनको बताया गया कि ये ज्ञापन लेकर रखोगे कि इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी। सीडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि अब की बार कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। गन्ना पेमेंट के लिए अभी उठाया मुद्दा, 15 तारीख में कहा कि जनवरी 15 में पूरा भुगतान मिल जाएगा। नारेबाजी भी हुई है, बहिष्कार भी किया है किसानों ने, आगे भी होता रहेगा ये तो। अगर यहाँ मांग पूरी नहीं होगी तो इस किसान दिवस को इसका बहिष्कार करेंगे। खनन विभाग को भी लेकर उठाया मुद्दा, क्या था? खनन विभाग ने ये कह दिया, बोले इन्होंने मारा ये काम नहीं है कि ये खनन विभाग में जाइए। जो भी मुद्दा थे अधिकारी पूर्ण थे यहाँ? अधिकारी नहीं थे पूर्ण, आधे भी अधिकारी नहीं आते किसान दिवस में। तो क्या समझे सर? बिजनौर की रहने वाली मेघना सिंह की वुमेन्स आईपीएल में एंट्री हो गई है। उन्हें गुजरात जायंट्स की टीम ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। मेघना की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि मेघना इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। पिछले साल आईपीएल ऑक्शन में उन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा था। मेघना मीडियम पेस गेंदबाज हैं, साथ ही वे बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला जो T20 मुकाबला था वो पिछले साल दिसंबर में खेला था। मेघना सुबह यहाँ से जाती थी, सुबह बिजनौर, सुबह 6 बजे जाना, 9 बजे वापस आना, फिर शाम को 2 बजे जाना और 8 बजे वापस आना। डेली अप डाउन करने में काफ़ी दिक्कतें आई वैसे, लेकिन हमने अपनी मेहनत जारी रखी जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे है। कितनी साल की उम्र से खेलना शुरू किया? वो 12 साल की उम्र से खेलना हमने शुरू कर दिया था। कहाँ यहाँ मोहल्ले में भी खेलती? मोहल्ले में अपने बच्चों के साथ, अपने चाचा के साथ ही गली में अपना क्रिकेट खेला करती थी। अपना एक लकीर खेचा, डायरी, लकड़ियाँ गाड़ दी, शुरू थपकी से खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद बैग लाया, सब बैट से खेलना शुरू किया उसने। उसके बाद वो अपना बिजनौर करना सफ़र किया जहाँ उनने अपना मेहनत की, उसके बाद यहाँ तक वो पहुँच पाए। अपनी और अपने बिजनौर की जनता की तरफ से मेघना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस महिला क्रिकेट लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बिजनौर का नाम रोशन करें। जैसा उन्हें गुजरात जॉइंट्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा है, तो किस तरह खुशी का माहौल है बिजनौर? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनका सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है, और 30 लाख तो सिर्फ एक अमाउंट है, बड़ी चीज़ तो ये है कि एक खिलाड़ी जो ज़मीन से उठ के ऊपर गया है और वो इस स्तर तक पहुंचा, तो इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कोई खुशी का विषय हो नहीं सकता। पैसा अपनी जगह है, लेकिन इंसान की कामयाबी सबसे बड़ी है। बुलेटिन के आखिर में बात संभल की। संभल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने एक टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत हादसे में एक महिला की मौत की खबर है। वहीं 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही टक्कर मारने वाली गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।